टॉमी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिसार डायरेक्ट और APJEE एडमिशन फॉर 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल EEE एंड CSE स्कॉलरशिप बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कैंपस इंटरव्यू इन सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स बाय साउथ इंडियन मैनेजमेंट पहली बात मेरे माउंटेन क्यों है साहब ये लड़की वाली बात तुमको कर देगा बर्बाद तुमको रहना है आबाद तो छोटे सुन मेरी बात ऐ कुछ भी तू कर लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ पैसे पाको ये हुआ किया हर जहाँ पे धुआं धुआं ऑक्सीजन के लेवल कम है सिगरेट की धुआं ज्यादा गंदी वाली हरकत करके बन गया तुम आवारा इधर रेपर बहुत ज्यादा उनके मुख से बकते लंबी गाल मेरा नाम जोले और रेप करना मेरा काम अंदर में दम की मैं करूँ अपना काम हाँ इस दुनिया में ये धोखा ही धोखा अब रेप के ये गेम में मैं मारूंगा चौका और भरे वाले एक्टिंग करके मिलता क्या है ब्रो मैं तो पीने में हूँ ब्रो मुझको नहीं पीना है और हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनटैप शो जिससे आप सभी को पता है कि ये जो अनटैप शो है वो हर संडे स्पेशल एपिसोड लेके आते हैं आपके लिए तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दो इस कमिंग के उभरता हुआ कलाकार का जो जहाँ पे वो रैपिंग कर रहे थे और उनके वीडियो वायरल हो गए थे और उन पोस्ट पे हमें बहुत सारा ने टैग किया कि और कहा कि उनको हमारे शो पे लाया जाए तो उनको ध्यान रखते हुए आज हमारे साथ वो दो उभरते हुए कलाकार है तो चलिए उनसे आपको सीधा मिलाते हैं चलिए ये पहली बात मेरा नाम है राजू मुझे कहते प्यार से ओजू हाँ सेपा का बंदा अरे में तोरा प्रो हाँ ये पहली बात मेरे मैम मेरे साथ हाँ ये मेरी मैम कर रहे मुझको इंटरव्यू कर रहे हमको वायरल हाँ मैं बोलना चाहूँ थैंक यू ये और उन्हें चलती हुई को हाँ ये मेरे दोस्त मेरा ये बंदा ये कह रहे रेप हम दोनों मिलके करते हैं हर दिन रेप हम लिखता है लिरिक्स सर में मिलके अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सर में डिसाइड करते हैं ब्रो हाँ मेरा नाम ग्योले और रेप करना मेरा काम अंदर में दम की मैं करूँ अपना काम हाँ बंदा बहुत सारी फास्ट तक सिगरेट दारू पी या नहीं उनको पीतू जो करे गंदा इस दुनिया में ये धोखा ही धोखा अब रेप की ये गेम में मैं मारूंगा चौका और अब अरे वाले एक्टिंग करके मिलता क्या है ब्रो मैं तो पीने में हूँ ब्रो मुझको नहीं पीना है और क्योंकि हो रहा है मुझको बोर और दोस्त मेरे यार मुझको तोरा तो समझाओ यार मैं कैसी की चू लड़कियों को अपनी और तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए आपका नाम और कहाँ से हो तो हम मेरा नाम है ग्योले लोफा तो हम सेपा में रह रहे पर मेरा बस्ती का नाम है लोफा मेरा नाम जूजू रियांग है हमको सेपा में राजू रियांग का नाम से जानते हैं और हम सेपा का है लेकिन मेरा असली बस्ती जो बामिंग से है तो हमने कुछ पहले आप दोनों का एक वायरल वीडियो देखा जहाँ पे आप दोनों रैप कर रहे थे रैपिंग कर रहे थे तो उनके बारे में थोड़ा बताइए मतलब किस चीज़ को लेके आप लोग ने मतलब वो रैपिंग किया और कैसे वायरल हुआ तो वो मीन्स समाज के बाद में वो रैप जो तो हम मीन्स फ्री स्टाइल कर रहे उस रैप पे और ये समाज के बात कर रहे हैं वो रैप में तो सबसे पहले तो पब्लिक को थैंक यू बोलना चाहिएगा उन लोग का ही कारण इधर है ना हम लोग और मतलब ये फ्री स्टाइल जो ऐसा है मतलब दोस्त जो फ्री स्टाइल कर रहा था मेरा जो टॉपिक था वो समाज के बारे था मतलब जैसे कि समाज में अभी सेपा में लाइट हमेशा नहीं आता है 4G सिम है लेकिन नेट नहीं होता है कुछ ऐसा है ये समाज का टॉपिक में ही मारा था वही है कहाँ से आइडिया मिला समाज के ऊपर रैप करने के लिए क्योंकि ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जहाँ पे आप रैप कर सकते हैं लेकिन आप लोगों ने समाज का ऊपर रैपिंग करने के लिए मतलब सोचा कहाँ कैसे 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 एक्सपीरियंस हुआ कैसे इंस्पायर हुआ कैसे एक्चुअली तो बात यही है समाज सोसाइटी का ऊपर डिपेंड होता है मतलब बहुत लोग है जो डिवलप कर सकते हैं सेपा को लेकिन उन लोग नहीं करते डिवलप जैसे कि बहुत चीज़ में प्रॉब्लम है नेट में प्रॉब्लम है लाइट में प्रॉब्लम है फिर तो ऊपर से ये क्या था बहुत सारा पानी वानी भी ठीक से नहीं आता है उसका कारण मतलब कुछ इंस्पायर हुआ पहला में हम भी फ्री स्टाइल रेप करता था मतलब बिना टॉपिक का तो एक दिन सोचा कि हाँ अपना सोसाइटी के लिए भी कुछ रेप मार देते तभी वहाँ से एक आइडिया डेवलप हुआ तब से मतलब ये समाज का बारे मारना शुरू हो गया हाँ वही तो आप बताइए कि आप कब से फ्री स्टाइल रैपिंग करने स्टार्ट हुआ मतलब आपको कहाँ से इंस्पायर हुआ हम तो ये मीन्स 2 साल हो गए फ्री स्टाइल रैप करने वाला मीन्स एमिनियम ये सब को देख के टीवी पे ये सबसे इंस्पायर हुआ तो
तो वही है मीन्स इंस्पायर, वो सब वो से होके तब करना शुरू कर दिया फ्री स्टाइल रैप ये सब। और आपने कब से रैपिंग करना स्टार्ट किया? हाँ रैपिंग तो हम जब हम क्लास 3 से शुरू किया ना, बहुत छोटा एज से, उधर बड़ा भैया लोग था जो रैप करता था, तो उन लोग से इंस्पायर हुआ। फिर एमिनेम लोग का गाना सुनता था ये सब का, MGK लोग का, तो इन लोग सबसे इंस्पायर हो गया, छोटा से रैप किया था। बेसिकली आप पहले में आप सोलो कर रहे थे, अलग अलग फ्री स्टाइल में मर रहे थे, आप भी फ्री स्टाइल में मर रहे थे, तो कैसे ऐसे आ गया, मतलब पार्टनर होके कैसे आ गया, कब से स्टार्ट किया आप दोनों ने, मतलब और कैसा कैसा मिला और कैसे प्लानिंग किया कि हम दोनों को लाइक एक साथ बैठ के हम दोनों को पार्टनरशिप में मतलब रैपिंग करने स्टार्ट करना चाहिए, कब से हुआ ये? और एक्चुअली तो ये 2 साल पहले शुरू हुआ था, जब हम लोग रिसेंटली दोस्त हुआ, तो उस समय हम रेप अच्छा मार लेता था, हम भी मारता था, तो उसमें ये भी कभी कभी मेरा साथ, जैसे कि एक स्पीकर होता था उसमें, तो स्पीकर में दोनों एक साथ मारेगा, तभी पसंद लगा, तभी हम दोनों ने एक आइडिया सोचा कि साथ में रेप करेगा लेके। तो ऐसा था, इतना हम दोनों साथ में रेप नहीं किया, इस बार ही हम दोनों साथ में रेप किया, 2 वीडियो डाला, मतलब ये भी तिक्की मार लेता, हम भी तिक्की मार लेता, तो ऐसा आइडिया आया, तो साथ में रेप होएगा तो ठीक होएगा, तो ऐसा हो गया। तो आप बताइए कि अभी तक टोटल कितना रैपिंग किया आप दोनों ने मिलके अभी तक, मतलब अफर्स तो हमने देखा, उसके बाद शायद कुछ आया भी है, हमने नहीं देखा, तो वो अब बताइए कि कितना टोटल है आप लोग का रैपिंग? तो टोटल तो 2 है अभी तक फिलहाल, और लिख रहे न्यू लिरिक्स, अभी आ जाएगा नेक्स्ट महीना तक शायद। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, न्यू लिरिक्स लिख रहे हो आप, किस अभी क्या हम पूछ सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि आप किस टॉपिक को लेके अभी लिरिक्स बनाने वाले हो, किस ऊपर मतलब यू नो मतलब किस टॉपिक पे आप रैप मारने वाले हो? ये सब इस ये रैप जो न्यू बना रहे वो मीन्स प्यार के ऊपर है, ये लड़की लड़का उसके ऊपर। हाँ तो इसमें बेसिकली आप दोनों रैप करने वाले साथ में या आप सिंगल करने वाले? हम दोनों करने वाले हैं, तो दोनों बना रहे एक साथ मिल के, फिलहाल तो हॉस्टल में अभी, पर भी हॉस्टल में लिख रहे लिरिक्स, हम घर में लिख रहे। आपने बताया आपको 18 इयर्स हो गए और आपने बताया आपको 16 इयर्स, तो आपने प्रीवियस में मेंशन किया कि आप लव के ऊपर यू नो मतलब लिरिक्स लिख रहे हो, तो मैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपके पास गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं बिल्कुल सिंगल है अभी तक तो। नहीं नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ओके चलो ये बात हो गई कुछ पर्सनल, और ये भी मैं जानना चाहूँगी, चलो लव के बारे में लिख लिए आप, समाज के बारे में भी लिख लिए, और आगे जाके किस तरीके से आप लिरिक्स पे मतलब कंटेंट आप लाना चाहोगे? लिरिक्स कंटेंट आगे जाके तो समाज के बाद ही होगा, आगे जाके भी मीन्स अगर डेवलप नहीं होगा तो और भी समाज का बारे ही आएगा रैप तो फिलहाल। हाँ एक्चुअली तो पहले मैं हम लोग कोई टॉपिक लिखता था उसमें समाज का बारे नहीं होता था, तभी जब से समाज का बारे रेप किया तो पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, तभी से मतलब सोचता था कि पब्लिक का बारे मतलब समाज का बारे ही रेप मारे गल के, तो आगे में जाके देखता है मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो उसका बारे एक टॉपिक सोच के निकालेगा। एक्चुअली अभी कोरोना का बारे लिख रहा था हम लोग, फिर कोरोना का बारे जो ऐसा हो गया वो बहुत कॉमन हो गया, तो इसलिए उसको हम लोग छोड़ दिया। तो अगर आप दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मतलब सोलो में जाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा सोलो में जाने के लिए, आपको बोलेगा कि मतलब आपको सोलो में जाना पड़ेगा, आपका ये जो पार्टनर है उनको नहीं ले जाएगा, तो आप क्या चीज़ को मतलब चॉइस करना चाहेंगे, विद पार्टनर और विदाउट पार्टनर, आप बताइए? विद पार्टनर ही चॉइस करेगा वो तो। हाँ डिसीजन तो बहुत तकलीफ वाला था, अच्छा क्वेश्चन था, मगर नहीं है कि एक तकलीफ भी है सोलो, हाँ सोलो भी एक अच्छा मौका होगा, अगर हम जा सकने से हम जाएगा, लेकिन पार्टनर ही इतनी है, पार्टनर ही बेस है वही। तो अभी तक कुछ सोचा कुछ स्टेट लेवल में कुछ कंपटीशन आएंगे तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ऐसा कुछ सोचा कुछ प्लानिंग किया आप दोनों ने? हाँ वो तो सोच के रखे मीन्स आगे कुछ करेगा, ये कुछ आएगा तो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म में। हाँ ऐसा था, कई कई में बैटल रैप होता है, जैसे कि अभी अरुणाचल में बहुत सारा जगह में होता है, हम लोग तो सिपा में बैठते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऐसे का प्रॉब्लम होता है, फिर इधर में हॉस्टल में होता है तो पार्टिसिपेट करेगा सोचते हैं, लेकिन नहीं होता है मतलब हॉस्टल से निकलने का अलाउ नहीं है, तो ऐसा में हाँ कुछ बैटल रैप ऐसा कंपटीशन होगा या तो कहीं में शो करने मिलेगा तो कर लेगा। बहुत अच्छा बात है, अगर आपको कुछ प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मतलब ऐसे पर्सन ऐसे एल्डर में सजेस्ट करना चाहूँगी बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि आपके साथ बहुत पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है आप दोनों। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि
जब हम करियर पे आगे बढ़ते हैं तो क्रिटिसाइज आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फिलहाल आप दोनों का वीडियो वायरल हो गए, उनमें मतलब पब्लिक से किस तरीके से रिएक्शन मिल रहा है आपको? पब्लिक से तो मींस बहुत प्यार भी मिल रहा है, मींस नेगेटिव कमेंट भी आ रहा है, तो उसे देख लेते हैं हम दोनों, इग्नोर मार लेते हैं नेगेटिव कमेंट को, तो मींस वही है। ऐसा होता है जो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोग में ज़्यादा ज्ञान होता है, मतलब ऐसा भी ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव होगा तो ठीक नहीं है ना, नेगेटिव भी होना चाहिए, तभी उसमें ज़्यादा करेक्शन होते हैं, नेगेटिव में ज़्यादा करेक्शन होते हैं, इसलिए वो भी ठीक है। उसको कोई मतलब अंदर में नहीं रहते हैं, मतलब नहीं लेते हैं, समझ लेते हैं ये भी सही बोल रहे हैं। लेकिन कोई कोई बोलते हैं लिरिक्स ठीक नहीं है, कोई कोई बोलते हैं अपना बोलने का ढंग को ठीक करो, हाँ तो उन लोग भी सही है, उसमें हम लोग देख लेते हैं, मतलब कोई अंदर में फीलिंग नहीं रखते, वही है। ये तो हो गए पब्लिक से रेस्पॉन्स, तो मतलब आपका पेरेंट्स है, आप जो स्टार्ट कर रहे हो, आप रैपिंग करने स्टार्ट कर रहे हो, आपका पेरेंट्स से, आपका रिलेटिव से किस तरीके से सपोर्ट मिलता है कि हाँ, कोई कोई होता है कि मतलब नहीं आपको रैपिंग नहीं करना चाहिए, आपको एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए, कोई कोई कंजर्वेटिव होता है पेरेंट्स जो एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहता है, तो आपका पेरेंट्स से कैसे टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है? तो पेरेंट्स से तो एकदम पूरा सपोर्ट मिल रहा है पढ़ाई के लिए, दोनों मीन्स बैलेंस में रखना चाहिए बोल रहे पेरेंट्स तो। हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मतलब मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं, बाप इतना सपोर्ट नहीं करते, तो क्योंकि बहुत खर्चा ऐसा हो गया पढ़ाई में, तो बाप बोलते हैं हाँ पढ़ाई में भी ध्यान दो फिर रैपिंग में भी ध्यान दो, दोनों को आगे साल में इक्वलिटी में लेके जाओ के ऐसा बोलते हैं। पापा कहते हैं कि मतलब बैलेंस करके जाओ, आपका भी पेरेंट्स कहता है कि बैलेंस करके जाओ, तो आगे में क्या करने का इरादा है? रैपिंग तो आप साथ में ले जाओगे ही, तो आगे में क्या करने का इरादा है आप बताइए? तो आगे में तो पढ़ाई करके अगर नौकरी मिलेगा तो नौकरी करेगा, रैपिंग छोड़ देगा? नहीं, रैपिंग भी बीच बीच में होते रहेगा वो तो। हाँ वो भी सही है, मेन तो एक्चुअली तो वन में तो पढ़ाई है, सबसे पहले तो पढ़ाई हकदार हो देता है, हाँ पढ़ाई को आगे लेकर जाएगा, फिर हाँ रैपिंग को भी साथ में ले जाएगा, लेकिन उसको उस पर इतना तो ध्यान नहीं है, मतलब हाँ उसको भी पीछा में थोड़ा साइड वाइज रखेगा। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मेरा जो शो है अनटैप्ड का, ये जो शो है, ये शो इसलिए हमने शुरुआत किया था कि जो आपका जैसे कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, जेन्युइनली पब्लिक से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है हमारे अरुणाचल में, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो मतलब अनटैप्ड है अभी तक, उनको हमारे शो पर लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज करे, जहाँ आपका टैलेंट है, जहाँ आपका पोटेंशियल है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इसीलिए और हमने सोचा कि आप दोनों को लाया जाए, क्योंकि आप दोनों का एक वीडियो भी तो काफ़ी वायरल हो चुके थे, तो आप दोनों शो में आ ही गए, तो आप दोनों रैपर हैं, तो हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे आपको, तो हम चाहेंगे आप हमारे लिए कुछ रैप कर दें। तो हाँ हम कर देंगे, मीन्स फर्स्ट वीडियो के जो वायरल हो चुके, तो उसके कुछ बोल देंगे उस। तू मेरे घर में पिलाऊंगा तुमको लाल चाय, तू मांगे दूध तो मैं लेकर दूंगा दूध चाय, तू है वो बूथ तू दिखाता हर दिन मूड बेबी, प्यार से ज़्यादा मुझे माउंटेन ड्यू का प्यासा है, शक्ल भी पास्ता पर है तीतू रे नाता सा, तू मेरे क्रश तूने तोड़ा मेरा त्रस, मेरा दिल हुआ त्रब्रस, मतलब दिल पे लगा चोट और गोट में करो लाइफ शॉट, यो ए हाँ लड़की ने बोला तोरा दिखने में बसुरदा, हाँ यही तो सही है क्योंकि मेकअप मैं नहीं करता ब्रो, मेरा सब बाइक चल तू है जो किस की है तूने कभी मिस बेबी, सबको से लूट जो भी प्लेगल के खिलाफ है, खेलती है ये गेम नेवर लव गेम, दस लोग मौत का ये पर्दा यारो इसे मत खोलो, शक्ल से है प्यारी पर पड़ते हम पर बारी, दो विद में का जाती है जोर यहाँ ये होती है इसमें, सिंपल चाहिए कि टेंशन ना तेरा कोई काम है। समाज की बात ये है सेपा की आवाज, करे सीधी सी बात इधर हो रहा है पाप, देखो करप्शन में बाप तेरी, इंटरनेट 4G फिर भी नेट मेरी चलती नहीं, गली में चलती हूँ तो नाले मुझको देखती नहीं, एमले है साथ बस दिक्कत ही वो दात, करे डेवलपमेंट की बात ये बात होती है कराज, हाँ मम्मी है बुरी फिर भी बेटा पी रहा है बीरी, घर में पक रहा दाल बेटा पी रहा है माल, कल को हो जाएगा बेहाल, हाँ मत करो ये काम तुमको नहीं मिलेगा नाम, या ओ मेरे दोस्त ये कुत्ते बन रहे बॉस, मत करो तुम ओवर दोस्त तोरा दे दूं इनको जोश, या समझ की बातें मुझको समझ में नहीं आते, कहते पापों को मिटा दे लेकिन जूते इनके वादे नहीं रखते, ये पकेरा दे। वाओ मतलब इतने खूबसूरत तरीके से आप दोनों ने रैपिंग किया, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जाके आप इस तरीके से रैप करें, और जितना कंटेंट हो सके आपके कंटेंट इतना इफेक्टिव हो जहाँ पे समाज को बदलाव यू नो चेंजेस ला सके। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो पर आने के लिए, और आगे वही
आपका लाइफ सक्सेस हो, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए लेकिन रैप पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि रैप आप दोनों अभी हमने देखा कि काफ़ी टैलेंटेड हो आप दोनों, तो वही चाहेंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। तो एक्चुअली हम लोग को बोलना चाहिए, मतलब आप लोग लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब दिल से थैंक यू बोलते हैं। हाँ वही, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। तो ये थे हमारे साथ इस कमिंग के दो उभरता हुआ कलाकार, और हम यही चाहेंगे कि आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो अभी तक अनएक्सप्लोर है तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हमारे शो पे उनको लाने के लिए। तब तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आन टेप शो अरुणाचल छुरे ईटानगर।